जरा रीना को बुला देना। बुलाती हूँ बाबा, बुलाती हूँ, बुलाती हूँ। लीला भाई किसका होगा, उसी कूकर वाले का है, जल्दी बुला रहा है। लो दा रा 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 रा। सुनो जी, लफड़ा है। हाय सनी। हाय रीना, क्या कर रही हो तुम? मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारी खिचड़ी तस्वीर लगा रही थी, डैडी ने देखी। अच्छा अच्छा, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, और देखो तुम तैयार हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहाँ पहुँचूँ और तुम्हारा मेकअप बाकी रह जाए। मुझे एक किस दो। What? क्या कह रहे हो? Oh my God, why don't you understand? Oh, she's here. The same thing. My, please लीला भाई, जरा एक ग्लास पानी पी लेना। ओ शाम, जब भी मौका मिलता है तुम कुछ ना कुछ हरकतें करते ही रहते हो, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। आई डोंट लाइक इट। लो बस। ओ रीना, वंस मोर बहुत हो चुका पापा जी, सामने में तो चांस दियो। सी रीना। ओ रब बना करे तेरा, मैं तो नंबर भूल गया हूँ। हाय शाम, बाय बाय। ऐश करते हैं कॉलेज के लड़के। अरे बाबा,
देखो कौन देखता है नी, थोड़ी देख उधर, देख देख देख। बात कुछ नहीं यार, वो देखो हमारे वैद्य साहब आ गए। दुनिया बदल गई मगर हमारे वैद्य साहब नहीं बदले, वही पुराना कोट, वही पुराना छाता, वही पुराना माथा। माथा तो क्या, माथे के अंदर मसाला भी पुराना है नहीं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नानी गुड। जिस पीरियड के लिए आप लोग बहुत दिनों से बेकरार हैं वो आखिर आ जा ही गया। लव टेल्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन लिटरेचर, बात में दम है, उस पे भी असर हो रहा है। मजा आएगा श्याम। ये सब्जेक्ट और भी इंटरेस्टिंग हो जाता अगर सब्जेक्ट होता प्रेम कहानियों का आजकल के विद्यार्थियों पे असर। लेकिन प्रेम कहानियों का असर समझने के लिए प्रेम क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से एक राज की बात मालूम करना चाहता हूं। जिस किसी ने प्रेम नहीं किया है वो अपना हाथ उठा दे। लो तो अब मैं अड्डी, प्यार की बातों में दुनिया ने हमेशा दखल दिया है। ये क्या करता है? सच कहता हूँ, आज तक मैंने कोई प्यार व्यार नहीं किया, सब लफड़े किए हैं। इस देश का क्या होगा? अरे वाह, अभी तक किसी ने हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब है हमारा क्लास इज फुल ऑफ रोमियोज एंड। एनीवे लेट्स बिगिन अ वर्क। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे अच्छी प्रेम कहानी कौन सी है। रमेश तुम बहुत दिलचस्प आदमी हो, तुम बताओ। आई वांट टू सी योर टेस्ट। रोमियो एंड जूलियट, वेरी गुड। रूपाली अब तुम्हारी बारी है। जी सर। लैला मजनू, गुड। अब बड़ी तुम बताओ नी, राजेश खन्ना नी। सर चेतनानंद की हीरांजा। वाह, हीरांजा जवाब अच्छा है। और फिर वो क्या नाम उनका, चेतनानंद की हीर का तो जवाब ही नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे अच्छी प्रेम कहानी है कन्हैया की। और जब कन्हैया का नाम लें तो आंखों के सामने एक बहुत सुंदर ग्वालन की तस्वीर आ जाती है, और जब उस ग्वालन का नाम लें तो कन्हैया की याद आ जाती है। कन्हैया यानी शाम। अब तुम बताओ शाम, शाम की प्रियतमा का नाम क्या था? जी वो शाम, शाम की प्रतिमा का नाम सर राधा। राधा नहीं, श्रीमती राधा। छुड़ा के मेरे हाथों से, ऐसे न रूठ मेरी बातों से, आगे न जाना नई राहों में, आना पड़ेगा मेरी बाहों में। हाथ छुड़ा के मेरे हाथों से, ऐसे न रूठ मेरी बातों से, आगे न जाना नई राहों में, आना पड़ेगा मेरी बाहों में। पगली ओ रुक पगली, ओ रुक पगली। Thank you.
मेरी जल परी देख ले पलट के मौजों के इशारे मन चली अरियो मन चली तेरी बेरुखी पे हंसते हैं किनारे आ दिल में रख लूं मैं तुझको जाने जा हाथ छुड़ा के मेरे हाथों से ऐसे न रूठो मेरी बातों से आगे न जाना नई राहों में आना पड़ेगा मेरी बाहों में पगली और रुक पगली और रुक पगली आगे न जाना नई राहों में आना पड़ेगा मेरी बाहों में हाथ छुड़ा के मेरे हाथों से ऐसे न रुठ मेरी बातों से आगे न जाना नई राहों में आना पड़ेगा मेरी बाहों में ओ पगली ओ रुक पगली ओ रुक पगली तो ध्यान से पढ़ा करो रमेश अगर तुम समझते हो कि ये हिप्पी कट बाल बढ़ाने से और टाइट पैंट और बेल बॉटम पहनने से तुम पास हो जाओगे तो ये तुम्हारी भूल है एक्सक्यूज मी सर अगर आप ये समझते हैं कि अच्छे कपड़े पहनने से आदमी फेल हो जाता है तो ये आपकी भूल है इट्स राइट शट अप मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा आपने अच्छे कपड़े पहनने वालों से कहा लास्ट ईयर जो लड़का फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था आई मीन अशोक चौधरी सबसे अच्छे कपड़े पहनता था मैं बहस नहीं चाहता मैं देख रहा हूं आजकल के लड़कों को पढ़ाई से ज्यादा दिलचस्पी है कपड़ों से इसीलिए वो पास नहीं होते तो फिर जो हर साल अच्छे कपड़े पहनने वाले पास होते हैं वो क्यों मुकर्रर वाह वाह ये आप लोगों को क्या हो गया है जो हर बात का सामना कर रहे हैं अपने पिताजी से पूछो वे अपने गुरु की बात मानते थे या नहीं कैदियों का जमाना खत्म हुआ सर ये हम सब जवानों का जमाना है और ये फिर कुछ जरूरी नहीं है कि हम आपकी वो हर बात माने चाहे वो कितनी भी गलत हो महेंद्र शाम दिस इज इम्पॉसिबल इट्स राइट हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था आपके जमाने में हिंदुस्तान आजाद था हमारे जमाने में हिंदुस्तान आजाद है और हमेशा के लिए आजाद रहेगा मैं तुम सबकी शिकायत गुप्ता जी से करूंगा आजादी का मतलब बदतमीजी नहीं समझे आप ना हम गुस्सा करते हैं वैद्या साहब जमाना बदल चुका है आजकल के स्टूडेंट्स आजाद विचार के हैं मगर ये भी कोई तरीका है कि हम कुछ कहें और ये लोग मर्यादा छोड़कर हमारा सामना करें सबके सब टाइट पैंट और बेल बॉटम वाले टाइट पैंट और बेल बॉटम वालों के खिलाफ आप इतना क्यों है वैद्या साहब और फिर फैशनेबल कपड़े पहनना कोई बुरी बात तो नहीं है मुझे सारा पैसा मालूम है आपने कपड़ों के बारे में जो कुछ कहा वो सही नहीं था इट्स नॉट करेक्ट हमारे जमाने में ढीली और चौड़ी पतलून पहनने वाले सबके सब कहां पास होते थे और फिर पैंट का दिमाग से क्या था लोग वैद्या साहब ये आजकल के नौजवान जोशीले होशियार और स्मार्ट होते हैं ये लोग अंधविश्वास से किसी बात को नहीं मानते हकीकत को मानने वाले प्रैक्टिकल लोग हैं मुझे मार्गदर्शन की कोई जरूरत नहीं जरूरत है मगर मार्गदर्शन प्यार से होना चाहिए गुस्से से नहीं आप इनसे प्यार करेंगे तो आपका हर कहना मानेंगे इनसे नफरत करेंगे तो आपका सामना करेंगे आप नवयुग का स्वागत कीजिए वैद्या साहब इस नई पीढ़ी को गले लगाइए आने वाले कल की रचना ये लोग करेंगे हम और आप नहीं
वेल वेल गुप्ता जी, व्हाट एवर यू मे से, लेकिन इन लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल है। मेरा तो ये आखिरी साल है, मैं रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन इन लोगों को क्या होगा ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसे मैड मैड कम्युनिटी ऑफ मिसगाइडेड यूथ, बैठे हुए गुमराह। जॉन जी सर, आराम से मेरे लिए एक फिश लाना। अच्छा सर, फ्राई जॉन। रमेश प्लीज जरा तुम बाहर जाओ, मैं कपड़े बदल लूं। I am extremely proud of my college and my students. Gupta ji. अरे वैद्य साहब, ये क्या हुआ? ये आपकी नई पीढ़ी का पुरानी पीढ़ी को इनाम। गुप्ता जी ने अचानक क्यों बुलाया? सुना है वैद्य साहब को किसी ने पत्थर मारा। गुप्ता जी आ गए। बैठिए। Down. परसों पहले मैं भी आप लोगों की तरह इस कॉलेज का एक स्टूडेंट था। मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा जिस दिन हम सब ने मिलकर प्रार्थना की थी। उस दिन हमारे प्यारे प्रिंसिपल गोखले साहब की मृत्यु हुई थी। मैं चाहता हूं कि आज आप सब मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि आज भी किसी की मृत्यु हो गई है। मृत्यु? हाँ मृत्यु, आज मृत्यु हो गई है मेरे उस विश्वास की जो मैंने आप लोगों पे किया। आज आप सब ने मिलकर मेरे प्यार का गला घोंटा है। एक विदेशी कंपनी ने हमारे यहाँ के एक प्रोफेसर को ऊंची तनख्वाह की नौकरी का ऑफर दिया था। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने इसके बारे में क्या सोचा है, तो उन्होंने कहा, गुप्ता जी मुझे धन दौलत से ज्यादा प्यारे हैं अपने विद्यार्थियों के मासूम मुस्कुराते हुए चेहरे। उस भले प्रोफेसर के उन जज्बात को याद करके मैं उस रोज रोया था, और आज भी मेरा मन रो रहा है, इसलिए कि आज प्यार के बदले में पत्थर का इनाम आप लोगों ने दिया है उसी भले प्रोफेसर को। मैं देख रहा हूं पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच गलतफहमी की एक दीवार खड़ी हो रही है। पुरानी पीढ़ी पर बुजुर्गों का सब पहरा था, जरूरत से ज्यादा, और नई पीढ़ी को मिली है आजादी, जरूरत से ज्यादा। नई पीढ़ी के पास जोश है, काबिलियत है, और वो पुरानी पीढ़ी की परवाह न करते हुए आगे बढ़ रही है। अगर पुरानी पीढ़ी में कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो नई पीढ़ी को आप लोगों को चाहते हैं, मगर ऐसे कुछ लोगों को पहचानने की समझ जो होनी चाहिए वो आप लोगों में नहीं है, और इसका नतीजा ये है कि आज भारत का विद्यार्थी अशांत है, और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। विद्या के मंदिर में आज पत्थर उछल रहे हैं। मैंने हमेशा इंसाफ चाहा है, और आज भी वही होगा। वो लड़का जिसने वैद्या साहब को पत्थर मारा है सामने आ जाए। मैं कहता हूं वो लड़का सामने आ जाए। इस वक्त 11 बजने में एक मिनट बाकी है। अगर 11 बजे तक वो लड़का सामने नहीं आया तो मेरा रेजिग्नेशन तैयार है, मैं साइन कर दूंगा, और इस कॉलेज को जिसे मैंने इतना प्यार किया है हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। दिस इज फाइनल। ये पाप मैंने किया है सर। मगर क्यों? उस वक्त तुम्हें क्या हुआ था जो तुमने अपने गुरु पे हाथ उठाया? विद्या के मंदिर में पाप करते हुए तुम्हारे हाथ कांपे क्यों नहीं शाम? जवाब दो। इंसाफ करेंगे वैद्या साहब, ये चाहे तो तुम्हें माफ कर दें या कॉलेज से निकाल दें। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। हम आगे आओ। Stop it, sir, stop it! ये सब गलत है। पत्थर मैंने मारा था, गुनाहगार मैं हूं, सजा मुझे मिलनी चाहिए। शाम झूठ बोल रहा है सर, मेरी आत्मा मुझे धुत्कार रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। आप मुझे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए सर, गुनाहगार मैं हूं। मैं सर, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं अपने दूर के रिश्तेदार के पास रहता था, जो कि पुरानी पीढ़ी के और नई पीढ़ी से सख्त नफरत करते हैं। वो लोग मुझसे रोज झगड़ा किया करते थे। एक दिन वैद्य साहब भी वहां पहुंचे, न जाने उन लोगों में आपस में क्या क्या बातें हुई, झगड़ा और भी बढ़ता चला गया। एक दिन उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया, और मुझसे क्या क्या बीती मैं ही जानता हूं। सर, पिछले 15 रोज से मैं पब्लिक पार्क में सोता हूं। इम्तिहान मेरे नजदीक है, मेरी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। और जब दुनिया का सताया हुआ मैं कॉलेज वापस आया, तो उस दिन भी वैद्य साहब ने न जाने नई पीढ़ी के लिए क्या क्या कहा। मेरा अपमान किया और मेरा दुखी मन भड़क उठा, और मैंने पत्थर उठा लिया और सर वैद्य साहब को मारा। सर, मैं अपनी स्वर्गवासी माँ की कसम खा के कहता हूं कि मैंने जो भी कहा है सच कहा है। एवरी वर्ड ऑफ इट इज ट्रू सर। शाम झूठ बोल रहे थे। शाम, क्या तुम गुप्ता जी के चरणों को छूकर कह सकते हो कि पत्थर तुमने मारा था? तुमने झूठ क्यों बोला? मैं ये जानता हूं सर कि कॉलेज से आपको कितना प्यार है। कॉलेज ही आपकी जिंदगी, आपका प्यार, आपका सब कुछ है, और ये प्यार आपसे छिन जाए मैं नहीं चाहता। और मैं ये भी जानता हूं सर कि आज हमारे कॉलेज को, हमारे इन सब विद्यार्थियों को शाम से भी ज्यादा जरूरत है तो हमारे प्यारे गुप्ता जी, इसीलिए मैंने झूठ बोला। वैद्या साहब, हमारा पद भूला विद्यार्थी आपके सामने खड़ा है, क्या कीजिए? सर, मैं आपको अपने कॉलेज के विद्यार्थियों की तरफ से विनती करता हूं कि आप महेंद्र को माफ कर। हम सब आपको वादा करते हैं सर,
आज के बाद आप कॉलेज में कभी नफरत नहीं देखें। मेरी तीन शर्तें हैं अगर मंजूर हो तो। पहली शर्त यह है कि गुप्ता साहब अपना इस्तीफा फाड़ दें, क्योंकि उनका जो ख्याल था उनके विश्वास की मृत्यु हो गई है वो गलत। वाकई में आज मृत्यु हुई है नफरत की, उनका विश्वास जिंदा है, वही विश्वास आज एक परिवर्तन लाया। दूसरी शर्त यह है कि आज गुप्ता जी से प्यार करने के इम्तिहान में शाम फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है। मैं शाम से कहूंगा तो आज ये वादा करे यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आकर वो हमारे कॉलेज का नाम रोशन करे। तीसरी शर्त, मेरे पास बहुत बड़ा मकान है, और बच्चे नहीं है, बच्चे मेरे पास आकर रहोगे और क्षमा करने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता। मुझे मालूम है कल से छुट्टियां हो रही हैं और आप लोगों ने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया हुआ है। गो एंड एंजॉय योरसेल्फ्स एंड बेस्ट ऑफ लक। इधर सब पिकनिक का सामान तैयार है, उधर पूरा ग्रुप वेट कर रहा है और रमेश का पता नहीं। Hey folks, think of the devil and here I am. Hi Prem. Hi Rameh. Hi Reena. Friends, I brought a guest for you. ये वो लड़की है जिसे मैं बेहद प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, ये मेरी कमजोरी है। इसका नाम है नीलू और जानते हो ये मेरी कौन है? मेरी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बहन। आज ही बेंगलोर से आई है, कहने लगी भैया मैं भी आपके साथ पिकनिक चलूंगी। मैंने कहा यू वेलकम, आई होप यू ऑल डोंट माइंड इट। वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम। रमेश की बहन, हम सब लोगों की बहन, क्यों ठीक है ना? वेलकम भाई लोगों, मेरी रमेश आ गया, रमेश की बहना आ गई, पिकनिक की तैयारी हो गई। अरे अब तो कुछ हंगामा हो जाए, लेट्स गो। गगन के बादलों में झूले दिल को, दिल से मिला के इस जहां को भूले। हम दिल के राजा, तुम दिल की रानी। आओ नीले गगन के बादलों में झूले दिल को, दिल से मिला के इस जहां को भूले। Yeah।
बादलों में झूले दिल को दिल से मिला के इस जहां को भूले बहके बहके कदम आज जाते छा गए हैं हर तरफ हम भी हम कांपों के लब गर्म सांसे बहके बहके कदम आज जाते छा गए हैं हर तरफ हम भी हम गगन के बादलों में झूले दिल को इस मिला के इस जहां को भूले आओ दिल गगन के बादलों में झूले दिल को इस मिला के इस जहां को भूले सुनो जुटे लगता है डर मेरे होते में बताता है हमारे चाचा के पास एक बहुत लंबा डंडा है वरी जब बारिश नहीं होता ना तो हमारा चाचा उस डंडे से बादलों को छेड़ता है तो बारिश छम छम होने लगता है अरे चल झूठे इतना लंबा डंडा तेरा चाचा रखेगा कहाँ पे वही तेरे चाचा के टनल के अंदर होटल एल्ताज वालों की तरफ से हम सब लोगों को एक शानदार दावत लिसन लिसन दावत का अरेंजमेंट आप लोगों को खुद ही करना होगा लिसन लिसन और इस पार्टी में मिसेज रॉय भी आ रही है अरे ये मिसेज रॉय कौन है आज ही इनसे मुलाकात हुई थी बड़ी खूबसूरत है अरे भूतले जल्दी आनी अरे क्या हो गया है यार काहे को चिल्ला रहे हो तो बैठू क्या अरे ये मारुति है ना अरे बड़ा लफड़े वाला है मैंने बोला मेरी मालिश कर दो तो मेरी आंख मारता है अच्छा हाँ उसकी ये बात तमीजी मारुति मारुति हाँ साहब मेरी देखो देखो फिर लफड़े वाली बात करता है नी ये क्या बदतमीजी है जी ये बदतमीजी नहीं है साहब मेरे पड़ोसी गोपाल ने मुझे खटवैये के झाड़ के पत्तों का अर्घ पिला दिया है तब से बदतमीजी चालू हो गई है साहब आइडिया
आरती जी, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, हमारे लिए काम कर दोगे? 10 रुपए देंगे तो एक क्या, 10-15 काम करवा लीजिए साहब। अच्छा, हमको कटवैये के झाड़ के पत्तों का रस ला के दे दो, वो भी बाटली में लाना है। जी हाँ। और सुनो सुनाओ, इसको किसी चीज में डालने से पता तो नहीं चलता ना? जी साहब, खाने की चीज में डालिए या पीने की चीज में डालिए, कुछ पता नहीं चलता। और अगर पता चलता होता तो मेरा ही हशर थोड़ी होता। थोड़ी जल्दी करो नी, ठीक है? काम में देरी क्यों करना है? दमर दम जाए दम। हेलो दिलीप, हेलो। हाय रवि, तैयार है? तैयार है खटवैये का रस, तैयार है? नहीं तैयार है, सिर्फ के सिग्नल का इंतजार है। मेरा सूप अलग रख दो। रखूंगा, मेरे सूप में नहीं डालना। नहीं डालूंगा। मेरा सूप अलग रखना है, मेरे सूप में नहीं डालना है। अरे सबके सूप में तो एक एक बूंद डालूंगा, लेकिन तुम्हारे सूप में दो दो बूंद डालूंगा, क्योंकि तुम्हारे दोनों चालू रहे। मिसेस राय आ गई। हेलो शशि। वेलकम मिसेस राय। हेलो रीना। हेलो, मैं आपकी इंट्रोडक्शन कराती हूँ, माय फ्रेंड मिस्टर रमेश। हेलो। एंड मिस्टर श्याम, वेलकम। चलिए ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं होटल अल्ताज के मिस्टर फ्रांसिस और अपने कॉलेज के ग्रुप की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सब लोग शहर की हलचल से बहुत दूर यहां पर छुट्टियां मनाने आए हुए हैं। मौसम रंगीन है और फिजा में बहार है। और अब मैं अपने दोस्त मिस्टर शाम से ये इल्तिजा करूंगा कि वो अपनी मधुर आवाज से आज की शाम को और भी रंगीन बना दें। मिस्टर शाम। खुले खुले नर्म नर्म गेसु, खुले खुले नर्म नर्म गेसु, फिजा में बिखरे ख्वाब जैसे, झुकी झुकी मस्त मस्त आंखें बरस रही हो शराब जैसे, खुले खुले नर्म नर्म गेसु। जो मुखड़ा हो मेरे सामने है अब वही चांद का टुकड़ा, जवां बदन में वो बाकपन है, खिले हो लाखों गुलाब जैसे, खुले खुले नरम नरम गेसु।
देखे जाऊं। घटाए खाते ही बेइरादा पिए कोई बेहिसाब जैसे खुले खुले नर्म नर्म गेसू। बहुत अच्छा गया, रियल प्लेजर। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉम्प्लीमेंट। और आप बैठी तो सही, पार्टी तो अब शुरू होने वाली है। ओहो, मेरा जाना बहुत। हाँ, यहाँ आने से पहले इनकी यही शर्त थी कि इन्हें जाने से कोई ना रोके। देखिए, आपका जाना अच्छा तो नहीं लगता, अगर ये बात है तो आपको रोका भी नहीं जा सकता। मैं आपको देखी, अरे बोला था ना नहीं डालूंगा, कैसा आदमी है। वरी खटवैया चालू हो चुका है नी, अब सबकी घंटी बज जाएगी। हमको छोड़ के गुरु क्या कर रही हो? वाह, व्हाट नॉनसेंस। वाली बात करता है। अरे लफड़ा तो अपने से भी है। अरे मर की मारती मारती के आईने में रखते हैं तस्वीरें यार, क्यों गर्दन झुका ली और देख लिया। रमेश, मुझे तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन हमें अपनी हरकतें बहुत पसंद है, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं रीना। कम ऑन डैम थिंग। You
जाओ रमेश, चले जाओ यहां से। आज जो कुछ भी हुआ है वो एक राज रहेगा। मैं ये नहीं चाहता कि कॉलेज के विद्यार्थियों का नाम बदनाम हो, और मैं ये भी नहीं चाहता कि गुप्ता जी के विश्वास की मृत्यु हो जाए। अगर तुम ना आते तो न जाने क्या हो जाता। अरे तुम रो रही हो, पागल हो गई हो क्या? तुमने हिंदुस्तानी फिल्में नहीं देखी? जब भी हीरोइन विलन के हाथों फंस जाती है, हीरो को आना पड़ता है, विलन की खूब पिटाई होती है, और उसके बाद हीरो हीरोइन का मधुर मिलन हो जाता है। डोंट वरी, मैं गाना नहीं गाऊंगा। श्याम, श्याम। नो श्याम, उसने मुझे उजाड़ना चाहा और तुम मुझे बिगाड़ना चाहते हो। ओहो रीना, रमेश और मुझ में कितना फर्क है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। और फिर मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। शादी के बाद? शादी से पहले मैं मम्मी और डैडी की हूँ, तुम्हारी नहीं। बस भाषण शुरू। अरे जो प्यार करते हैं ना वो करीब भी आना चाहते हैं। ओफो श्याम, मैं सच कहती हूँ, इस पहाड़ की चोटी पे से कूद पड़ूंगी। तुम्हारी बाहों में रहकर अपवित्र होने से ज्यादा पसंद है। इन गहराइयों में डूब कर पवित्र रहना। श्याम, श्याम। याद है नीलू, ये वही जगह है जहाँ हम दोनों एक हुए थे। इस पिकनिक की वजह से हम दोनों मिले, और आज पिकनिक का प्रोग्राम खत्म हो रहा है। कल तुम वापस बेंगलोर चले जाओगे और मैं कॉलेज। दिन भर तो पढ़ाई होगी और रात भर तुम्हारे सपने देखा करूंगा। देखो सोनू, अगर तुमने जाते मुझे खत नहीं लिखा तो मैं उड़कर तुम्हारे पास चली आऊंगी और गुप्ता जी से कह दूंगी कि आपका भतीजा बहुत बदमाश है। ओ माय गॉड, मेरी तो छुट्टी हो जाएगी मैम साहब। देखो स्वीटहार्ट, सिर्फ 2 साल रह गए, पास होते ही मैं चाची से बातचीत करूंगा, मगर इस बीच सिर्फ लव लेटर से काम चलाना होगा। अरे याद आया, ये रहा मेरा प्राइवेट पता, सब खत इसी एड्रेस पर लिखना। ओके ओके। हाँ देखो कहीं खो ना जाए। ओ नो डार्लिंग, सीने से लगा रहेगा तुम्हारा नाम और पता। तुम यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे, क्यों आए हो? क्या करे, आना ही पड़ा। उधर हमारा साहब का जेब खाली और इधर हमारा ये बाटी खाली, क्या करे, आना ही पड़ेगा। मैं एक फूटी कौड़ी भी देने को तैयार नहीं हूँ। फूटी कौड़ी की जरूरत नहीं है, नोट चाहिए, नोट नोट। हरी हरी फसिया, मेरे साहब बिल्कुल बिल्कुल कड़का हो गए। झंडू में जाए तुम्हारा साहब। मैम साहब झंडू में माध भेजो, उधर दारू नहीं मिलता है। मैम साहब तुम्हारे पास तो बहुत बहुत पैसा है, देखो ना, दो ना, देखो ना। तुम लोग जान नहीं छोड़ोगे, ये लो कुत्ते को हड्डी। थैंक यू मैडम। मैडम खाली बोतल आप ले लो, ये लेकर हम क्या करेंगे। थैंक यू। इडियट कहीं का, वो क्या है? गेट आउट। पैगाम मैं सुन चुका हूं। गॉड, रंजीत को जहन्नम में भेजने वाले को शायद ये मालूम नहीं कि पागल कुत्ते का काटा हुआ शायद बच भी सकता है, लेकिन रंजीत का काटा हुआ कभी पानी भी नहीं मांगता। तुम्हें देखकर पर जाती है मुख की शोभा, तुम बड़ी समझती हो रोगी की दशा उत्तम है। अरे रामू, थोड़ी बाहर देखो नहीं कौन आया है। अच्छा मम्मी, दद्दी जी कह रहा हूँ, गॉड बड़ी तुमको हैप्पी रखे नी। सुखी रहो, तुमने तो हमको दुखी किया, मगर माँ बाप का फर्ज है बेटे को सुखी चाहे। डैडी
मैंने दुखी किया? अरे बड़ी दुखी नहीं किया तो और क्या किया, तेरा लफड़ा हम दोनों को लंदन से बड़ी इंडिया ले आया। नहीं लफड़ा? हाँ हाँ लफड़ा, 100% लफड़ा। अरे पद्मनी, तुम मेकअप बाद में करना, नहीं पहले इसने जो चूना लगाया है हमारे मुखड़े पर वो तो बताओ। अरे बड़ी तुम भी बोलो, नहीं मैं जरा मेकअप खत्म कर लूँ। काम की बात करो, नहीं ये रूपाली वरी कौन है? माई गर्लफ्रेंड, जिससे मैं प्यार करता हूँ, लव करता हूँ सच्चे दिल से। सच्चे दिल से? अरे बड़ी तुम्हारे बाप ने कभी सच्चे दिल से प्यार किया है? पद्मनी समझा अपने लाने को। अरे बिना की जूता मार के गेट आउट कर दूंगी, तब समझेगा, नानी याद आ जाएगी इडियट को। यानी मेरी मदर इल्ला, फाके करोगे फाके। डैडी सिंधी मानू कभी फाके नहीं करता, मैं फुटपाथ पे बैठ के चड्डी और गंजी फ्राक बेच लूंगा, चौपाशी पे पापड़ और पकौड़ा बेच लूंगा, भारतीय ट्रेन में गंजी और पार्ले का पिपरा बिंग बेच लूंगा, लेकिन फाके नहीं करूंगा। और अगर शादी करूंगा तो वन एंड ओनली वन रूपाली से, गुमल गुमल अगलानी की बेटी गुलाब बाई से नहीं। भाई साहब अपने दादी की बात मानो बड़ी। ओ नो मम्मी नो, आई लव रूपाली। पद्मनी ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेगा। तुम चौपाटी पे पापड़ और पकोड़ा बेचने को तैयार हो, मगर लंदन में हीरे जवाहरात बेचने को तैयार नहीं। नहीं तुम मूलचंद की औलाद हो या कोई और? पद्मनी जब ये हॉस्पिटल में पैदा हुआ था कहीं पतली तो नहीं हो गया था? ओ मम्मी डैडी को रोको नहीं, मेरे प्यार की बदनामी करता है। तो फिर रूपाली फाइनल है क्या? अरे जवाब दो, फाइनल है क्या? अरे फाइनल नहीं तो क्या, सेमी फाइनल है। अरे अच्छा 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 अच्छा, मेरा बेटा टूर्नामेंट जीत गया, अब तो अपनी हार मान लो खिलानी से। मान गया डार्लिंग मान गया। लो बेटा पेड़े खाओ। पेड़े? बड़ी मामला क्या है? नी मामला क्लियर है नी, हमको लंदन में मालूम हो गया था कि तुम इंडिया में रोमांस करता है। हम सीधे दिल्ली पहुँचे, लड़की की मम्मी डैडी से मिले, खानदान बहुत अच्छा है, बात पक्की हो गई। और ये पेड़े जो तुम खाओगे ये रूपाली के मम्मी डैडी ने भेजे हैं, तुम्हारे डैडी की इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई। लो खाओ। मम्मी डैडी यू आर रियली वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। हेलो माय फ्रेंड, सिट डाउन सिट डाउन। आज आप लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं, पिकनिक का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा है, छुट्टियां बहुत रास आई हैं आप सबको। अरे शशि तुम क्यों इतनी सीरियस हो गई हो, कहीं फिलोसफर तो नहीं हो गई? डोंट बी सो सीरियस, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुमने दुनिया नहीं देखी है। कम ऑन नाउ गिव अस अ स्माइल, दैट्स अ गुड गर्ल। आइए अब कुछ काम की बातें करें, इम्तिहान नजदीक है इसलिए मैं आप लोगों से एक वादा लेना चाहता हूं, आज से खेल कूद बंद, आप लोग दिल लगा के पढ़ें ताकि इम्तिहान में पास हो जाएं। वी ऑल प्रॉमिस। यस सर, वी ऑल प्रॉमिस। जल्दी पास हो जाओ शाम, तुम्हारी रीना जल्दी तुम्हारी होना चाहती है। शाम शाम क्या बात है शाम? गांव से तारा है शाम, हमको तो पढ़ने को नहीं आता शाम, चाहे जरा देख लीजिए ना शाम, रात के टाइम सब सो गया शाम, क्या करना अपने कमरे में बत्ती जलता हुआ देखा ना शाम, इसलिए हम इधर आया। अंदर बैठ। आप कीजिएगा साहब, हमने आपको तकलीफ दिया, क्या करेगा, हम आपका नौकर है ना साहब। क्या बात है साहब? अरे वाह बहुत कुछ है गोरखा, भगवान ने तुम्हें एक नहीं बल्कि दो दो लड़के दिए हैं। अच्छा है साहब। देखो ना, हम जानता था साहब ऐसे ही होगा। वाह गोरखा वाह साहब, अब हम मुल्क जाएगा ना तो ऑपरेशन करा के जाएगा साहब, जस्ट बच्चा अच्छा नहीं साहब। ऑपरेशन शुरू करवाओ, दो या तीन बच्चे बस। हम ऑपरेशन करा के गांव में जाएगा साहब, फिर हम 10 हफ्ता भी गांव में रहेगा कोई गड़बड़ का बात नहीं साहब, हमारी औरत भी खुश और हम भी खुश साहब। गुड साहब, आपके लिए स्पेशल एक कैलेंडर लाया साहब, बहुत अच्छा है साहब। जय हिंद। Ha 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 ha!
इंतजार कर रही है। मेरे पास आओ ना रीना। आओ ना रीना। अकेला छोड़ना चाहिए। चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ। जी। चलिए ना। Come on। आइए। Please come in। बैठिए। आराम से बैठिए। इसे अपना घर समझिए। एक बात पूछो। जी। कुछ देर पहले आप खोए खोए से थे, फिर तो मैं देख चुकी हूँ, लेकिन अब भी मालूम होता है कि आप नहीं। क्या बात है, कोई खास परेशानी है क्या? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तस्वीर आपके पिताजी की है? मैं भी आई। माफ कीजिएगा, मैं शराब नहीं पीता। शराब जब दवा बनकर सामने आए तो उसे ठुकराना अच्छा नहीं होता। लीजिए। जी। मेरी बात मानिए, काफी परेशान नजर आते हैं आप। लीजिए, समझ जाएंगे। मजा तलखी, मगर जिंदगी की तलखियों से कम। गम को भुलाने के लिए चीज अच्छी है। जल्दबाजी के लिए माफी चाहती हूँ।
कुछ देर पहले आपने मुझसे दीवार पर टंगी हुई तस्वीर के बारे में पूछा था। जी। आज से 5 साल पहले की बात है। एक अच्छे भले इंसान को व्यापार में बहुत भारी नुकसान हुआ। उसने अपने एक मालदार दोस्त से मदद मांगी। दोस्त ने फौरन हाँ कह दी, मगर उसकी एक शर्त थी। उस मजबूर घबराए हुए इंसान की बेटी उसे शादी में दी जाए। उस रात मुझे मिस्टर रॉय बनना पड़ा। वे है मिस्टर रॉय। जीते जी जो संगुल थे वैसे मिस्टर रॉय, मरने के बाद भी अपने संगुल का सबूत छोड़ गए। उनके वसीयत नामे में लिखा था कि जब तक मैं मिसेज रॉय रहूं तब तक मिल्कियत की पूरी आमदनी मुझे मिले, मगर अगर मैंने शादी कर ली तो पूरी जायदाद उनके भतीजे को मिले। जो आवारा और बद चलन है जिसने मुझे बिगाड़ने की पूरी कोशिश की वो शैतान गरीब रहे, इसलिए मैंने अमीर रहना मिसेज रॉय रहना पसंद किया। एहसास के पैमाने में जब तर्क की लहर उठती है तो पी लेती हूँ, दो चार घड़ी जीने की फजूल सी कोशिश कर लेती हूँ। मगर हकीकत फिर भी हकीकत है। मेरा माजी मिसेज रॉय, मेरा हाल मिसेज रॉय, मेरा भविष्य मिसेज रॉय, 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 भूल जाइए। दर्द का इलाज दर्द को छेने से नहीं होता मिसेज रॉय। मौत का इलाज हो सकता है मगर मेरी जिंदगी का कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। मिसेज रॉय, मैंने आपकी खातिर पी, आप मेरे खातिर पी लीजिए। शराब जब दवा बनकर सामने आए तो उसे ठुकराना अच्छा नहीं। आप काफी परेशान हैं, पी लीजिए, संभल जाएंगे। इस मिसेज रॉय, सारे दीप
गुड मॉर्निंग। सवेरा हो चुका है दुनिया में और मेरी दुनिया में भी। बाय बाय। बाय। क्या बात है आशामी है? आज मैं अपने घर नहीं जाने दूंगी। क्यों? क्या इरादा है? आज तो मरने का इरादा है। गड़बड़ है। मेम साहब। कौन? मेम साहब मैं पिटर बोल रहा हूँ। कम इन। मेम साहब रंजीत साहब का शराबी चमचा आया है। रंजीत साहब इस हद से मिलने के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं। I'm busy। अच्छा मेम साहब। हेलो, उसे दे दो कुत्ती को हड्डी। ये रंजीत साहब कौन है? स्वर्गवासी किशोर चंद्र रॉय का भतीजा, नौकर कहेगा। ये खिताब तो मुझे कई बार मिल चुके हैं साहब। तुम मुझे नौकर कहो, बदमाश कहो, जो जी चाहेगा। हम वकीलों की बातों का बुरा नहीं मानते। हुस्न वाले मेरे कातिल हैं, ये मेरा दावा है। हुस्न वालों को सजा हो, ये मुझे मंजूर है। बातें बनाना कोई तुम खुशी के? आज तक कोई वादा पूरा किया तुमने? जान, सब वादे पूरे हो जाएंगे। जानती हो मेरा प्यादा माल लेने गया है, जाते ही जान से जान टकराएंगे और दिल से दिल।
हड्डी फेंकी है आप भी कहती जाने मैं सोया रोटी का बंदोबस्त धूपर वाला करेगा और घर को बंदोबस्त धुना कर लो इसीलिए लेकर आया हूँ आपके लिए अब कंट्री इंग्लिश और मेरे लिए कंट्री मेरी झुपड़पट्टी पहली साल की घूम मजा है हमेशा हड्डी चूसते चूसते मेरी कमर ढीली हो गई अभी तो मटन का बंदोबस्त करो मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ बात करना चाहता था और आज इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलवाया भी है देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग विद यू माय बॉय वरना तुम्हारे जैसा इंटेलिजेंट लड़का और पढ़ाई से बेखबर ये हो नहीं सकता क्या बात है पैसों की तकलीफ है ना सर घर से कोई ऐसी वैसी चिट्ठी आई है जिसकी वजह से परेशान हो नहीं नहीं सर एक बात पूछूं बुरा तो नहीं मानोगे जिसे हम बहुत ज्यादा चाहते हैं उससे अगर झगड़ा हो जाए तो जीना दुश्वार हो जाता है तुम्हारा कहीं रीना से झगड़ा तो नहीं होगा नहीं नहीं सर इट्स नॉट पॉसिबल सर फिर मैं और कुछ नहीं कहूंगा सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस उम्र में पढ़ाई से बढ़कर और कोई चीज नहीं और सुनो अदा करो इम्तिहान तक तुम्हारा सबसे पहला प्यार होगा कॉलेज और कॉलेज की किताबें सर आई प्रॉमिस सर आई हैव ग्रेट होप्स फ्रॉम यू माय बॉय अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो जी कुछ नहीं अंकल सुनो सुनो तुम्हारी हिस्ट्री की किताब में नीलू नीलू क्या लिखा हुआ है मैं तुम्हारा कला खोदूंगा मुझे उस बदमाश का नाम बताओ भैया वो स्टूडेंट है किसी के सहारे पढ़ता है घबरा गया है वो मगर वो बदमाश नहीं है वो सिवाय बदमाश के और कुछ भी नहीं हो सकता जिसने मेरे खानदान की इज्जत पर थप्पा लगाया नीलू मुझे उसका नाम बताओ मैं कह रहा हूँ तुम मुझे उसका नाम बताओ सोहन दोस्त बनकर मेरे घर में कदम रखा था आज मैं उसको जान से भैया हटा शर्म के मारे नीचे क्यों देख रहे सुनो तुम्हें उस वक्त शर्म नहीं आई जब तुम्हारे दिल में पाप ने जन्म लिया था जी 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 मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रमेश मैंने आज तक अन्याय नहीं होने दिया और ना होने दूंगा रो नहीं बेटी सब ठीक हो जाएगा रमेश शादी की तैयारी करो तुम्हारी बहन मेरे घर की बहू बनेगी सर सर आपने मेरे खानदान की इज्जत बचाई है मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा मैं गुस्से से पागल हो गया था सोन के साथ जो भी मैंने बर्ताव किया है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आई एम सॉरी सर गुप्ता जी की शराब के कारण मेरी प्यारी बहन की जिंदगी मगर एक मैं हूं जिसके पास बुराई होने के अलावा कुछ नहीं शेषि के साथ व्यवसाय मैंने लीला को बिगाड़ने की कोशिश मैंने घबराओ मत रीना यह हाथ जो एक दिन गुनाह के लिए आगे बढ़ा था आज पवित्र बंधन के लिए आगे बढ़ रहा है लो
अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? जो मांगूंगी दोगे? अरे पगली, ये भी कोई पूछने की बात है? चल मांग, कम ऑन। मुझे मेरा शाम चाहिए। क्यों, क्या हुआ शाम को? पता नहीं क्या करता है, कहाँ जाता है, मैं कुछ समझ में नहीं आता कि उसे क्या हो गया। राधा, राधा। श्याम आई ले। श्याम राधा, ना जाने तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया है। दरवाजा खुले। शाम शाम पहले को रात भर पढ़ते थे, अब तो जो है कि शाम होते ही वो मिसेज राय है ना, वो आ जाती है, उनके साथ में सीटी बजाने बजाते चले जाते हैं। बड़ी खूबसूरत है मैम शाम। कहाँ रहते? कहाँ रहते हैं? पेडर रोड। पेडर रोड। पेडर रोड में कहाँ? बिल्डिंग का नाम है रूबी बिल्डिंग। रूबी बिल्डिंग अभी बात बराबर है ना। श्याम I'm so sorry, मुझे आने में देर हो गई, मुझे मालूम था तुम आ गए होगे। I knew it. मैंने बहुत कोशिश की मगर क्या करती, तुम तो जानते ही हो राह नद मुझे कितनी नफरत है। मगर क्या करती, तुम कमबख्तों ने मुझे ऐसे घेर लिया कि बस। एनीवे मेरा नया बेडरूम पसंद आया? ओहो मालूम होता नाराज हो गए। कोई बात नहीं, यू मना लूंगी। तुम अपनी हरकतें से नहीं आते श्याम। श्याम नहीं रंजी, घबरा नहीं, हम आपके जिस से खेलने नहीं आए हैं, कुत्ते को सिर्फ हड्डी की जरूरत होती है। समझी आप? कव योरसेल्फ। क्यों आए? अपने काम से आया था लेकिन रात की बात सुन ली। घबरा नहीं चची जान, ये राज राजी रहेगा क्योंकि हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। शराफत से बात कर रंजीत। शराफत? शराफत छोड़ दी मैंने चची जान, बहुत तकलीफ होती थी। तुम चाहते क्या? वही जो अपने जीते थी मेरे चचा जान मुझे नहीं देते, मेरा मतलब है माल। एक छोटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, आज तक तुम्हें हजारों दे चुकी हूँ। उन हजारों की तो हमने मैम साहब सिगरेटें फूंक डाली है। और फिर रंजीत की जिंदगी इतनी सस्ती भी नहीं के हजारों में बीत जाए, उसे तो लाखों चाहिए लाखों। तुम यहाँ से चले जाओ रंजीत। अब मैम साहब मैं किसी गैर के घर नहीं आया हूँ, अपने चचा के घर आया हूँ, जिसके खानदान से आपको नफरत है, अदालत से प्यार। आंखें किसी और को दिखाना, मुझे माल दिखाना। और अगर ना दूं तो? तुमने शादी न करके मुझसे मेरा हक छीना है, मगर तुम्हारी हरकतें शादी से कम नहीं। एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरा हिसाब नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिस इज फाइनल मिसेस रॉय। रंजीत से टक्कर लेना मामूली बात नहीं। थोड़ी सी टक्कर तो हमसे भी लेनी पड़ेगी रंजीत साहब। तो आप हैं हमारे नए चाचा जान? नहीं चाचा जान नहीं, अब्बा जान। बोल दो जीते बच्चे, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? बोल। जाओ
Have a good time. Shyam! Shyam! Shyam, you have not seen me. You have seen me. You पागल कुत्ते का काटा हुआ शायद बच भी सकता है मैम साहब, लेकिन रंजीत का काटा हुआ कभी नहीं बचेगा, समझे? ओए अब भटन क्या क्या हुआ, मुर्गी क्या क्या हुआ, आई मीन हे ओ शट अप यू प्रेम, इतना ऊपर ना नहीं जा, गला छोड़िए, अभी चलेगा, अभी चलेगा। जानता है कि कल की रात कैसी थी। वो रात नहीं थी, ये जमाना था। क्या बात है रीना? मम्मी और डैडी कल शाम को महाबलेश्वर गए हैं, लीला भाई भी साथ गई हैं, घर में कोई नहीं है। पहली बार एहसास हुआ कि तन्हाइयां किस तरह डसती है। कहीं मैं ये सब सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ये सपना हकीकत है शाम, आशा तुम मेरे घर आ रहे हो और वही रहोगे। मत जाओ ना रीना। Not here, मेरे घर। ये लो लाइट की, जब सारी दुनिया सो जाए तो मेरे ख्वाबों को जगाने के लिए आ जाए। शाम मिसेस रॉय, मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप शाम को भूल जाइए। ये रिश्ता शाम के भविष्य को, उसके माँ बाप की सारी उम्मीदों को मिट्टी में मिला देगा। फिर यह हकीकत है कि श्याम और रीना दोनों एक दूसरे को सच्चे दिल से चाहते हैं, उनकी शादी होने वाली है। श्याम आपका कभी नहीं हो सकता। नहीं, श्याम मेरा है, मैं श्याम को नहीं छोड़ सकती। गलत रिश्ते को सही वक्त ही तोड़ देना अच्छा होता है मिसेस रॉय। ये रिश्ता समाज और भगवान दोनों की निगाहों में गुनाह है, पाप है। और मेरी आंखों में आपका समाज एक जुल्म है और भगवान एक वहम है। क्या किया है आपके समाज और भगवान ने मेरे लिए? मेरे अरमानों को कुचल कर मुझे मिसेज रॉय नाम की सजा दी, और मैं इस सजे हुए खैर खाने की दीवारों से चकराती रही, सिसकती रही, प्यार के लिए तरसती रही। ये मेरी खुशकिस्मत है कि मुझे श्याम मिला, श्याम का प्यार मिला, और आप चाहते हैं कि मैं प्यार की कुर्बानी दे दूं? नामुमकिन। गुप्ता साहब, आप मेरे जज्बात से नहीं खेल सकते, आप मुझसे मेरा प्यार नहीं छीन सकते। जिसे आप प्यार कहती हैं वो प्यार नहीं है, मखमली अंधेरे में पली हुई एक वासना है जो उजाले में आने से घबराती है। क्या आप दोनों दुनिया के चौराहे पे खड़े होकर ये कह सकते हैं कि आपका ये रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है? क्या ये रिश्ता जोड़ने से पहले आप दोनों की आत्मा कांपी नहीं थी? मिसेस रॉय, जज्बात में बहकर चंद हसीन लम्हों की शरारत को प्यार का नाम न दीजिए। नहीं, मेरा प्यार प्यार है, वासना नहीं। आप अपने आप को धोखा दे रही हैं मिसेस रॉय। वासना का जोर जब बढ़ जाता है तो अपनी साथ छोड़ देती है। वासना की आग वो आग है जो सारे संसार को जला के खाक कर देती है। जिसका आगाज गलत हो उसका अंजाम भी गलत होता है मिसेस रॉय। मिसेस रॉय, क्या आप दुनिया के चौराहे पे खड़ी होकर ये कह सकती हैं कि आपका ये रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है? जवाब दीजिए, क्या आप दुनिया के चौराहे पे खड़ी होकर ये कह सकती हैं कि आपका ये रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है? आप अपने आप को धोखा दे रही हैं मिसेस रॉय। आप दोनों का ये रिश्ता भगवान और समाज दोनों की निगाहों में गुनाह है, पाप है। ये गुनाह है, पाप है, गुनाह है, पाप है। Thank you.
ख्यालें वो रात जिसका इंतजार था सालिम आ ही गई मेरे पास आओ आओ ना मेरे पास आओ ना शाम उछलती हुई मौत आज किनारे की बाहों में झुकना चाहती है आज की रात सिर्फ तेरे नाम से मैं तो बहुत पी चुकी हूँ तुम भी पी लो भूख गुजरेगी मिलेंगे नहीं आने दो लो लो ना दिले ना राजा ये सब क्या है अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ जो होना है वो बाकी है आज तक भी ना सिर्फ मन तो तुम्हारी थी आज संजय ही तुम्हारी हो जाएगी नहीं रीना नहीं ये मेरी रीना नहीं मैंने अपनी रीना को इस रूप में नहीं देखा मेरी रीना तो वो है निर्दोष और मासूम लड़की उस रूप में रह के मैंने बहुत कुछ खो दिया है शाम अब इस रूप में कुछ तो अपनाने दो प्लीज नहीं मुझे ये रीना नहीं चाहिए मुझे वो रीना चाहिए जो निर्दोष है जो मासूम है मुझे वो रीना चाहिए जो पहाड़ की चोटी से कूदने के लिए तैयार हो जाती है मुझे ये रीना नहीं चाहिए जो वासना की मूर्ति है मुझे वो रीना चाहिए जिसका मन गंगा जल की तरह पवित्र है मुझे वो रीना चाहिए जो शादी से पहले मम्मी की है शादी से पहले डैडी की है शाम की तो फिर मुझे वो शाम चाहिए जो निर्दोष और भोली रीना का है मिसेस रॉय का नहीं जवाब दो शाम जवाब दो तो कौन सी ऐसी बनाव करेगी जो तुम रीना को भूल कर मिसेस रॉय की बाहों में छुप गए जिंदगी की वो कौन सी ऐसी जरूरत है तेरे प्यार का गला खो दिया मैं पूछती हूँ जवाब दो शाम जवाब दो तुमने ठीक कहा रीना मैं गुमराह जरूर हो गया हूँ लेकिन इस दिल ने तुम्हें हमेशा प्यार किया है मेरी आंखों ने तुम्हें हमेशा पवित्र प्रेम की प्रतिमा के रूप में देखा है वासना की नहीं इस गुनाह की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो रीना मुझे माफ कर दो रीना सिर्फ इसलिए कि शाम तुम्हारा है सिर्फ तुम्हारा है शाबाश बेटी शाबाश हैट्स ऑफ टू रीना इसने तुम जैसे पद भूले इंसान को सही रास्ते पे लाने के लिए ये सब नाटक और रमेश का शुक्रिया अदा किया उसने रीना का भाई बनके इससे जाय का पता चला मिसेस राय को तुम्हारी जिंदगी से हटाने के लिए क्या कुछ नहीं करना यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर गुप्ता आई एम सॉरी मिस्टर गुप्ता मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा व्हाट लेकिन क्यों किस लिए व्हाट्स द रीजन इन दैट मिसेस रॉय के खून के इल्जाम में ओह नो जी ये पेन आपका है यहाँ और ये रुमाल मेरा और ये मैंने ही लिख के भेजी जब मैं मिस्टर रॉय से मिलने के लिए गया था और ये नहीं है मेरा देखो ये तो मिसेज रॉय के हाथ का एक टुकड़ा है आपको कैसे मालूम जब मैं मिसेज रॉय से मिलने के लिए गया
तो एक हार उनके हाथ में था। बातचीत के दौरान वो हार गिर गया और मैंने उठा के उन्हें दे दिया। क्योंकि यह हार मैंने बहुत करीब से देखा था, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यह टुकड़ा उसी हार का है। आर यू श्योर मिस्टर गुप्ता? रीना, आप मिसेज रॉय से मिलने क्यों गए थे? जी, इसका जवाब मैं नहीं देना चाहता। ओ प्लीज मिस्टर गुप्ता। मैंने कहा ना, इसका जवाब मैं नहीं देना चाहता। खाती पी लिया माने? चलो दूसरा ग्लास में गए, अब बोतल से ही पीना पड़ेगा। ये बुरका पहन का पुलिस स्टेशन क्यों गया था? नहीं नहीं, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। मेरा दोस्त है? हाँ। मार मार के पुलिस स्टेशन भेज दूंगा। चले बो, मुझे पुलिस स्टेशन मत भेजो, मैं आपका दोस्त हूँ, सब कुछ बता दूंगा, मैं सब कुछ बोल दूंगा। सारे स्टूडेंट्स आपके साथ सर। मगर नरों से क्या फायदा, जब तक ये साबित न हो कि मैं बेकसूर हूं। कल अदालत खुलते ही पेशी होगी, सारी दुनिया को सच्ची बातों का पता चल जाएगा और मेरे कॉलेज की इज्जत। सर, आपने मेरे खानदान की इज्जत बचाई है, मैं इस कॉलेज की और आपकी इज्जत बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा दूंगा। होल कॉलेज इज जीते सर। और ना Thank you.
कौन बताए कैसे दीवाने थे, और दो चार बातें सुना दो जो मेरे तो लोग तुझे पहचान जाएंगे। चेहरे से दिल मन हटा दो जो मेरे तो लोग तुझे पहचान जाएंगे, पहचान जाएंगे, पहचान जाएंगे। कौन बता दो राज कितने तेरे बताने में, आज नहीं तो कल फैलेगी बात जमाने में। कौन कैसा है इतना बता दो जो मैं तो लोग तुझे पहचान जाएंगे, चेहरे से दिल मन बता दो जो मैं तो लोग तुझे पहचान जाएंगे, शराब में कहा जो इस शबाब में है मेरी जान। चल दे, ये रही आज का वादा पूरा करने की कीमत। इसकी कीमत इन कागज के टुकड़ों में नहीं हो सकती हुजूर, ये शबाब तो सोने और चांदी में तुलता है। बहुत पहुंचे हुए जौहरी मालूम होते हो। रंजीत को जब कोई पसंद होता है ना, तो उसे सोने चांदी में नहीं हीरे मोतियों में तोलता है। आज तक रंजीत का नाम आशिकों की दुनिया में बहुत ऊंचा रहा है मेरी जान। बुरी आशिक का जनाजा आज बड़े धूम से निकलेगा। मुझे आज का वादा निभा दूं, लोग मुझे पहचान जाएंगे। चौरी साहब आप जरा तशरीफ रखिए। सारिंग तुम भी जरा तशरीफ रखो, मैं अभी हाजिर होता हूँ। चलो मेरी जान, जो तुम्हारे जी में आए ले लो। सोच क्या रही? नो मिस्टर रंजीत,
बेहतर होगा आप वहीं बैठे रहें। आपके ये हाथ मिसेस रॉय के खून से रंगे हैं। क्या भक्त हैं आप? छोड़ो मुझे। क्या? छोड़ो तुम वही दूध पीता बच्चा। तुम अरे कुत्ते की औलाद। मुझसे गाड़ी नहीं चलेगी। दारू पी लिया क्या? हाँ हाँ तुम भी थोड़ी सी पियो ना। दोस्त आज पहली बार जिंदगी में नेक काम किया। ये देखो दारू का बॉडी में फेंटा डाला। अरे अंदर आओ बैठो। आज से पीना बंद लेकिन उस कुश्ती को नहीं छोड़ूंगा। जल्दी चलो। मेरी जान तुमने तो अपना वादा पूरा नहीं किया लेकिन रंजीत वादा करता है कि वो अपना वादा जरूर पूरा करेगा। यही वो जगह है। इसमें कोई शक नहीं कि हम मुकद्दर के सिकंदर हैं। जमाना जिसकी तलाश में है वो दिलरुबा मेरे सामने है। मासूम चेहरा शाने गोल कद मौजू कमर पतली। सारे के सारे दरवाजे बंद हैं मेरी जान। तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा तुम्हारे सामने आ रहा है। चिल्लाओ मत मेरी जान। यहाँ तो तुम्हारा खुदा भी नहीं आ सकता लेकिन खुदा का बंदा तो आ सकता है। अच्छी तरह देख ले रंजीत ये तुम्हारे ही चाकू हैं और तुम्हारे ही खून के प्यासे हैं।
रीना, रमेश मेरे दोस्त, निकले थे। मेरे विश्वास की मृत्यु नहीं हुई, मगर चूंकि आने वाले कल की जिम्मेदारी आप सबकी है, इसलिए आपसे मैं इतना जरूर कहूंगा, सिर्फ आपसे नहीं बल्कि मुल्क के सारे विद्यार्थियों से, कि आपका सबसे पहला प्यार होना चाहिए कॉलेज और कॉलेज की किताबें। अब आप गुप्ता जी से वादा न कीजिए, आप वादा कीजिए अपने कंट्री से, अपने देश से। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।